जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में भारतीय टीम करेगा बड़ा बदलाव। इस खिलाड़ी को कराएगा अचानक एंट्री। अपनी खतरनाक गेंदबाजी से सभी को कर देता है गुमराह। एक खिलाड़ी अपनी गोली जैसी गेंद से टीम इंडिया को पहुंचाएगा सेमीफाइनल में। क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। इससे पहले आप चाहते हैं टीम इंडिया 2022 का खिताब जीते तो इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम इंडिया मौजूदा 4 T20 मुकाबले में 3 जीत हासिल की है। अब टीम इंडिया अगले मुकाबले जिम्बाब्वे के साथ खेलेगी। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा एक स्टार प्लेयर की एंट्री करवाएंगे। इस खिलाड़ी को अभी तक T20 वर्ल्ड कप से बाहर रखा गया है। वे खिलाड़ी युजवेंद्र चहल हैं, जिनको अभी तक मौका नहीं दिया गया है। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम की तरफ से रविचंद्र अश्विनी की जगह युजवेंद्र चहल को प्लेइंग 11 में रखा जाएगा। अश्विनी इस T20 वर्ल्ड कप में अपने अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अभी तक 4 T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 ही विकेट हासिल कर पाए हैं। IPL 2022 के बाद युजवेंद्र चहल की वापसी बहुत ही शानदार हुई है। IPL 2022 में सबसे ज़्यादा 27 विकेट अपने नाम किए हैं। वे अपनी स्पिन गेंद से बहुत जल्द ही विकेट चटका लेते हैं और विकेट लेने के लिए काफ़ी जुनून होता है उनके पास। सभी बल्लेबाज उनके सामने खुलकर खेल नहीं पाते, उनके स्पिन गेंद के जादू से बच नहीं पाते हैं कोई। उन्होंने अपनी टीम इंडिया के लिए T20 69 T20 मैच में 8.12 के रन रेट से 85 विकेट अपने नाम किए हैं। चल अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से हारी हुई मैच को जिता सकते हैं।